Hello everyone, good morning, good afternoon, good evening to everyone of the class 11 present on that side. I, Vinay, again welcome each and everyone on the same platform of the Life Physics. As you all know that we were dealing on the chapter named as the motion in the plane, and in the previous lecture we have discussed about the projectile motion, and we discussed the one of the type of the projectile motion जिसे मैं personally call करता हूँ as a half projectile, or you can say when the body is thrown from certain height. And what the things that we have discussed, हमने क्या-क्या किया, क्योंकि आज भी वही काम करने वाले हैं but different phase में. But what we discuss, first of all we trace its trajectory. हम लोगों ने उसकी trajectory को देखा और हमें पता चला it is parabolic, that y is being quadratic function of क्या था x, y x का क्वाड्रेटिक फंक्शन था, यानी y x के साथ स्क्वायर में डिपेंड था. सो व्हेनेवर द पावर इज 2, आप जानते हो उसे क्वाड्रेटिक फंक्शन बुलाते हैं. तो आज भी हम लोग यही करेंगे, वी विल ट्रेस द पाथ, पता लगाएंगे ट्रेजेक्ट्री कैसा है, एंड लेट मी क्लियर, वो भी पैराबोलिक ही होगी, वो भी कर्व ही होने वाली है, क्योंकि हम लोगों ने डायग्राम देखा होगा. सेकेंड, वी हैव कैलकुलेटेड द टाइम ऑफ लाइट, आज भी वही करेंगे. We have calculated the range, हमने range निकालना सीखा कि कितना दूर जाएगा, आज भी वही करेंगे, okay? And we will add some more points, because यहाँ पे थोड़े point और questions थोड़े से ज़्यादा होंगे. Let me clear at the starting itself, the questions related to this projectile would be more, थोड़े से ज़्यादा हैं, थोड़े से proof हैं, थोड़े से twisted होंगे, because it is been a relatively part. आपको पता चलेगा ऐसा क्यों जैसे आप इस लेक्चर से गो थ्रू जाएंगे. सो एज यू कैन से दिस वुड बी आवर लास्ट लेक्चर ऑन द मोशन इन प्लेन, एंड एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर वी कैन कंक्लूड दैट वी आर डन विद द मोशन इन प्लेन. ओके, देयर इज वन टॉपिक पहले ही बता देता हूं, देयर इज वन मोर टॉपिक इन द मोशन इन द प्लेन इन द एनसीईआरटी और इन द बुक, एंड दैट टॉपिक इज सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. So I am holding that topic for the future. मैं उस टॉपिक को फ्यूचर के लिए होल्ड करके रख रहा हूँ. Similarly, as you all know that in the previous chapter in motion in 1D there was a topic named as a relative velocity. था वो टॉपिक, आप लोगों के कमेंट आए कि सर आपने वो relative velocity नहीं करवाया, but मैंने आपको फीडबैक दिया था that I will hold the topic. मैंने relative velocity को इसलिए होल्ड किया क्योंकि मुझे वेक्टर का इंतजार था. I'm waiting for the vector. और जैसे ही हमने vector को समझा, हमने उसके points को समझा, हमने उसके logic को समझा, हमने relative velocity को quit किया, और हमने किया भी, ये काम हुआ. In the same manner, if I will discuss with you, अगर मैं आपके साथ यही चीज दोबारा से discuss करूं और ऐसे ही काम करूं, तो same thing मैं आपसे कहना चाहूंगा कि मुझे uniform circular motion को hold रखना है, क्योंकि अभी मेरे को उसका use नहीं है. I'm not saying कि अभी आप chapter wise जाइए कि जो चैप्टर के क्वेश्चन है, हम लोग अपनी एक स्टोरी लाइन बना रहे हैं, वी आर मेकिंग अ स्टोरी ऑफ अ मूवी ऑफ अ क्लास 11. तो समझो क्लास 11 एक मूवी है जिसमें बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टर्स हैं और हमें उन कैरेक्टर्स को जोड़ना है. बट आप किसी भी कैरेक्टर को तभी समझ पाएंगे जब आप उस कैरेक्टर की कहानी या उससे रिलेटेड चीजों को समझे. जैसे रिलेटिव वेलोसिटी नाम का एक कैरेक्टर था हमारी मूवी के अंदर चल रहा था, अगर हम उस रिलेटिव वेलोसिटी को मूवी में पहले ही ले आते जैसे बुक ने लिया है, आई एम नॉट सेइंग बुक इज रॉन्ग, बट वो उसके बारे में अगर इमेजिन कीजिए आपने वेक्टर नहीं पढ़ा और आपको रिलेटिव वेलोसिटी समझाई जा रही है, दैट रिलेटिव वेलोसिटी वी आर इज इक्वल टू वी ए माइनस ऑफ वी बी, हो गया, ये आपको समझा दिया. बट इसके बाद जब आप लोग इसे पढ़ने जा रहे हो, रिजल्टेंट निकालने जा रहे हो, तो आप ये फॉर्मूला लगा रहे हो वी ए स्क्वायर प्लस ऑफ माइनस वी बी स्क्वायर प्लस ऑफ टू वी ए वी बी एंगल बिटवीन वी ए एंड माइनस ऑफ वी बी. अब आप ये सोचते रहेंगे कि ये फॉर्मूला आया तो आया कहां से, सोचेंगे अगे अभी नहीं सोचेंगे क्योंकि मालूम है सबको, बट समझो ना वेक्टर से पहले पढ़ाया था. फिर मैं आपको बोलता ओके रिलेटिव वेलोसिटी का डायरेक्शन टेन बीटा इज इक्वल टू वी बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय वी ए प्लस वी बी cos theta. फिर आप वेट करेंगे सर ये कहां से आया, दैट्स व्हाई आई होल्ड. सो विद माय पर्सनल एक्सपीरियंस, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, जहां पे हमें जरूरत हो हम वहीं पे काम करेंगे. सो दैट्स व्हाई मोशन इन प्लेन द टॉपिक नेम इज एज सर्कुलर मोशन, और मैं उसे पहले ही बता दे रहा हूं, आई एम होल्डिंग दैट टॉपिक.
तो प्लीज आप कंफ्यूज ना हो कि सर आपने छुड़वा लिया, छुड़वा नहीं है बेटा, टाइम और समय पर आने पर उस चीज को वहां पे किया जाएगा जहां पे उसकी जरूरत हो। ओके, सो आई वेट दैट, थोड़ा सा इंतजार करते, पेशेंस करते, कैरेक्टर को उसी टाइम रिलीव करेंगे हमारी कहानी में जब उस कैरेक्टर की बहुत जरूरत होगी और तभी वो कैरेक्टर समझ में भी आएगा। ओके, तो थोड़े से कहानी को बदल देता हूं मैं, कैरेक्टर का आना, देखो कैरेक्टर तो वही आने वाले, मूवी के कैरेक्टर जो हैं वो आएंगे सामने, बट मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूं, मैं डिसाइड कर रहा हूं कौन सा कैरेक्टर कब सामने आएगा, तभी थोड़ी क्रिएटिविटी बन जाएगी। ओके, समझने के बाद, सो लेट्स डिस्कस अबाउट द सेकंड टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, एंड यू ऑल नो दैट व्हाट इज दैट आई कॉल दैट प्रोजेक्टाइल, I used to call that as a full projectile. मैं इसे क्या बुलाता हूं? Full projectile, and its another name is angular projectile. Okay, तो आप इसे angular projectile भी call कर सकते हैं and full projectile. Let's discuss what is that. Let's suppose this is your ground. ये हमारा क्या है? Ground है. And on the ground we are at certain position. हम लोग किसी A point पर हैं. And we are throwing an object. We are throwing an object with initial velocity u. So I am writing everything जो मैं लिख रहा हूँ that from certain point on ground. तो इस बार जो point आपका throw करने वाला है वो ground से है. लास्ट केस में बिल्डिंग के टॉप या सर्टेन हाइट से थ्रो किया था. सो फ्रॉम सर्टेन पॉइंट ऑन द ग्राउंड एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन विद सम इनिशियल वेलोसिटी यू मेकिंग एंगल थीटा. Let's suppose it makes angle theta with the ground. Ground के साथ कितने angle पे throw किया? Let's suppose you are throwing that object with making angle theta with respect to ground. Okay? तो हमने इसे इस तरीके से throw किया. अब इसे थोड़ा सा समझते हैं. Now, this velocity can be resolved. Resolve word means break into two components. यानी हम इस velocity को कितने components में break कर सकते हैं? Two. You all know that any vector quantity can be break into two components. Cos and the sine means the cos is your horizontal and sine is your vertical. और अगर आप मुझे help करें तो इस तरफ आपका कौन सा component आएगा? U cos theta. Along the जिस तरफ एंगल उस तरफ हमारा horizontal, और यहां पे हमारा कौन सा component आएगा? It would be u sin theta. So we are breaking into two component. Number one is u cos theta. Which one? Horizontal component. Okay? And second one is u sin theta. This is your vertical component. कि आप चाहे तो इन दोनों कंपोनेंट को वापस से कंबाइन कर सकते हो, जैसे हमने क्रॉस चेक किया था ना, अगर हम इन दोनों का रिजल्टेंट निकाले वापस से यू आएगा. अगर हम इसे ए वेक्टर मान ले, इसे बी वेक्टर, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री, और आप इसे सॉल्व करके देख सकते हैं, इट वुड बी यू अगेन. सो हमने किसको ब्रेक किया? यू को. वी ब्रेक द यू. तो इसका मतलब अब प्रेजेंटली अब आपके पास वेलोसिटी कितनी है? दो. नाउ हाउ मेनी वेलोसिटी वी हैव टू वेलोसिटीज. नंबर वन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, नंबर टू वर्टिकल वेलोसिटी. अब यू नहीं है आपके पास, अब यू को नहीं देखेंगे, अब यू को फॉरगेट यानी भूल सकते हो, क्योंकि अब आपने इसके दो टुकड़े कर दिए. सो नाउ वी हैव टू वेलोसिटीज, और कौन सी? यू कॉस थीटा. कहां लग रहा है ये? दिस यू कॉस थीटा इज एक्टिंग इन अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. तो ये आपको कहां लेके जाएगा? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में. यू साइन थीटा आपको कहां लेके जाएगा? वर्टिकल में. बट वर्टिकल की भी दो डायरेक्शन होती है, वर्टिकल अपवर्ड और वर्टिकल डाउनवर्ड. और ये कहां लग रहा है? ऊपर की तरफ. तो ये आपको कहां लेके जाएगा? ऊपर की तरफ. सो बाय दिस मैनर आपका ऑब्जेक्ट आगे भी जाएगा और ऊपर भी जाएगा. मींस यू आर मूविंग फॉरवर्ड एज वेल एज यू आर मूविंग फॉरवर्ड भी जा रहे हैं एंड अपवर्ड भी जा रहे हैं.
बट अपवर्ड मीन्स यू आर वर्किंग अगेंस्ट दी ग्रेविटी, और जैसे ही ऊपर जाते हैं तो एक फाइनल पॉइंट आता है जहां पे हमारी वेलोसिटी विल बिकम जीरो. मैं एक बार दोबारा से थोड़ा सा रीड्रॉ कर लेता हूं. दिस इज यू मेकिंग एंगल थीटा एंड दिस इज द वे दैट हाउ वी आर गोइंग टू वर्क फ्रॉम ए एंड फाइनली व्हेन वी टच द ग्राउंड विच इज यू. ओके, लेट अस टेक अ पॉइंट सी विच इज द हाईएस्ट पॉइंट. ओके, आपने उसे ऊपर की तरफ थ्रो किया, ऊपर की तरफ बिकॉज ऑफ यू साइन थीटा. आपने आगे की तरफ थ्रो किया बिकॉज ऑफ यू कॉस थीटा. इसका मतलब आपने कुछ एंगल पे थ्रो किया था, बट अब आपके पास दो वेलोसिटीज हैं, सो यू कॉस थीटा एंड यू साइन थीटा. सो वी विल मेंशन यू कॉस थीटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट, हॉरिजॉन्टल मोशन. ये कौन से मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? हॉरिजॉन्टल के लिए. एंड यू साइन थीटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट? वर्टिकल मोशन. ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? वर्टिकल मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. डन. सो इसकी वजह से हॉरिजॉन्टल और इसकी वजह से वर्टिकल, एंड बाय दिस मैनर यू विल टच डाउन. आई थिंक द बेसिक इज क्लियर. Okay, so now we will start or categorize the same procedure. हम वैसे ही काम करेंगे जैसे हमने half projectile को किया था. तो हमारे पास कितने motion है? Two motions है. So we are going to categorize. So first of all, horizontal motion, and here we have vertical motion. चलिए दोनों का data और दोनों की informations collect कर लेते हैं जो हमें help करेगी आगे जाके. Okay, so let us do that. So in horizontal motion, what is your initial velocity? Initial velocity कितना है horizontal का? ux कितना? It is u cos theta. This is our initial velocity at a point, u cos theta. And you all know that in horizontal direction, अगर आप केवल horizontal direction में देखें, so is there any factor which is responsible for changing your velocity? क्या कोई ऐसा factor है जो आपकी horizontal velocity को change कर सकता है? Yes, definitely we have that factor, and that factor is air. But you all know that we will neglect the resistance or the opposition offered by the air. तो air के resistance को neglect कर देते हैं. फिर वही assumptions हैं यार. The same assumptions that we applied for the half projectile, the same assumptions will apply for this. यानी वो assumption पूरे projectile motion की थी वो. Okay, so air resistance would be neglected. So if it is being neglected, so what would be the acceleration in horizontal direction? It would be zero. So iska matlab u cos theta will remain constant. Velocity kya rahegi? Constant. Aap yahan pe mention kar sakte hain. Air resistance or air opposition is neglected. So we are neglecting that part. हम अपोजिशन एयर वाले को नेग्लेक्ट कर रहे हैं. डन है? तो दिस इज आवर हॉरिजॉन्टल डाटा. अभी के लिए हमारे पास ये डाटा है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वर्टिकल. सो व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी इन वर्टिकल मोशन? यू वाई. वाई एक्सिस ना वर्टिकल. सो इनिशियल क्या है इस बार? यू साइन थीटा. हाफ प्रोजेक्टाइल में इनिशियल कुछ नहीं दिया था क्योंकि ऊपर से थ्रो, बट इस बार कुछ एंगल पे दिया है तो यू साइन थीटा आपको ऊपर ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है. सो व्हाट वुड बी द एक्सेलरेशन? सो एक्सेलरेशन इन वर्टिकल वुड बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ जी. तो पहले हमारी बॉडी, अगर आप वर्टिकल डायरेक्शन में देखें तो आपका बॉडी पहले ए से सी जाएगा, हाईएस्ट पॉइंट, जहां पे उसकी वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो. वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो. बट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थ्रू आउट द मोशन सेम रहेगी. ओके, सो वर्टिकल वेलोसिटी सी पॉइंट पे जीरो, क्योंकि कभी ना कभी यू साइन थीटा जीरो होगा और फिर वहां से वो डाउन होना शुरू होगा. तो अगर आप ए से सी पढ़ते हैं, इफ यू वांट टू स्टडी फ्रॉम ए टू सी, देन एक्सेलरेशन वुड बी टेकन एज नेगेटिव जी. ए टू सी देख रहे हैं आप लोग, क्योंकि ए टू सी मतलब हम वर्टिकल अपवर्ड जा रहे हैं, तो विद अगेंस्ट द ग्रेविटी. बट अगर आप C से B पढ़ना चाहते हैं, then you would have to take A as a plus G. So acceleration vertical motion में क्या होगा? वो depend करेगा which motion that you are dealing. A to C यानी vertical upward देख रहे हैं या vertical downward, वो आप उसके according change करेंगे.
okay? Let's see is the highest point. C आपका क्या है? Highest point. तो इसे हम लोग क्या बुलाएंगे? Maximum height. A to B, what we call this as a range. क्या बुलाते हैं इसे? Range. The horizontal distance. तो ये एक extra चीज यहाँ पे add होगी. और A से लेके B तक के पूरे टाइम को क्या बुलाएंगे? We call that as a time of flight. So this is the acceleration due to gravity. So ये दो सबसे बड़ी informations हैं जो horizontal और vertical motion को आपको starting से ही संभाल के रखनी पड़ेगी. Got it? Let's start with the first thing जो हम लोगों ने किया था, that the nature of path. So I think this language has been noted. तो इस language को note कर लीजिए और यहाँ तक information note रखिए with the diagram. Okay? Now I'm just only rubbing the language. मैं केवल language को rub कर रहा हूँ. तो आपको मालूम है क्या-क्या चीज़ हो चुकी है. Let's start or let's proceed with the first thing. And first thing is trajectory of projectile. Projectile की trajectory यानी path को पता लगाते हैं. So let's start with the horizontal motion. Horizontal motion पे ही काम करना शुरू कर देते हैं सबसे पहले. So let it, हमारे पास कोई एक P point है. P point with coordinate x y. Okay? So let after time t, body is at P x y. मान लेते हैं टी टाइम के बाद बॉडी कहां पे पहुंचा? पी पॉइंट पे, एक्स और वाई. यानी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एक्स कवर किया और वर्टिकल डिस्टेंस वाई कवर किया. सो आफ्टर एनी टाइम इट कवर्स द एक्स हॉरिजॉन्टल और वाई वर्टिकल. एंड सिंस बोथ प्रोसेस और बोथ मोशंस आर हेल्पिंग और डूइंग साइमल्टेनियसली, फिर वही अजम्पशंस और वही चीजें, दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली हो रहे हैं बट दोनों प्रोसेस इंडिपेंडेंट है. मतलब हॉरिजॉन्टल अलग काम कर रहे, वर्टिकल अलग काम कर रहे. हॉरिजॉन्टल का इफेक्ट वर्टिकल पे नहीं होगा, वर्टिकल का इफेक्ट हॉरिजॉन्टल पे नहीं होगा, बट साइमल्टेनियसली होगा. मतलब एक साथ होगा, मतलब दोनों का टाइम सेम लगेगा. तो मान लेते हैं टी टाइम में बॉडी कहां पहुंची? एक्स. तो हम हॉरिजॉन्टल मोशन में कवर कर रहे हैं. सो व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, so s is equal to ut plus half a t square. So what is the acceleration in horizontal? Zero, क्योंकि velocity constant है, क्योंकि कोई opposition है ही नहीं. So x is equal to u x t. So t is equal to x divided by u x. और u x कितना है? It is u cos theta. Am I clear with this point, everyone? Same thing, वही काम होता है जो half में होता था बेटा. बस प्रॉब्लम वेलोसिटीज बदल गई हैं यहाँ पे और कुछ पॉइंट्स भी बदले हैं. ओके, सो वी हैव द टाइम टेकन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट इन वर्टिकल मोशन. सो सेम आफ्टर टाइम टी व्हाट इज वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट? क्या पता लगाए? लेट अस फाइंड आउट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट. सेम एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. चलिए हेल्प कीजिए मुझे. व्हाट इज द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट? वाई इज इक्वल टू वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस हाफ वर्टिकल एक्सेलरेशन इनटू टाइम स्क्वायर. सो सीधी सी बात है, हमने पी पॉइंट को यहां रखा क्योंकि हम लोग इनिशियल वेलोसिटी यू साइन थीटा को मान रहे हैं. इसका मतलब हम ए से चले तो मान लीजिए पी पॉइंट सी से पहले ही होगा. सो व्हाट इज यू वाई? यू वाई वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी इट इज बीन यू साइन थीटा इनटू टी प्लस हाफ नेगेटिव जी इनटू टी स्क्वायर. बट व्हाट इज टी स्टैंड्स फॉर? टाइम. ये वही टाइम है जितनी देर में आप एक्स चले हो हॉरिजॉन्टली, बट ये वही टाइम है जिसमें आप वाई भी चले हो. तो इसका मतलब दैट टाइम वुड बी द सेम पार्ट. सो वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा इनटू x by u cos theta plus negative half g x by u cos theta whole square. Okay, when we solve this, u cancel with the u and sin theta by cos theta it is 10 theta. So y is equal to x 10 theta negative half g
एक्स स्क्वायर बाय यू कॉस थीटा होल स्क्वायर. सो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर व्हाट? वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट. वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट का हमें एक एक्सप्रेशन मिल गया वाई का. एंड सिंस दिस इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ एक्स. ये जो इक्वेशन है वाई वो एक्स का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. वाई एक्स स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है. ओके, नेगेटिवली है बीच में बट इट इज डिपेंडिंग अपॉन एक्स स्क्वायर. और अगर ये है सो दस पाथ कैसा होगा? पाथ और ट्रेजेक्ट्री वुड बी हाउ? पैराबोलिक. कैसा होने वाला है पाथ? द पाथ इज गोइंग टू बी पैराबोलिक इन नेचर. सो दिस इज द प्रूफ. सो आई थिंक इसमें हमें इतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि हम लोगों ने पैराबोलिक और उसके डिपेंडेंस को हम लोगों ने हाफ में देखा था. सो पाथ पैराबोलिक यानी कर्व होगा. ओके, वो कर्व कुछ इस तरीके से डिपेंड करेगा क्योंकि वाई यानी जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक्स के रिस्पेक्ट में कुछ इस तरीके से चेंज हो रहा है. एंड विद दैट नोट इट शोज दैट द पाथ इज पैराबोलिक. सो इट मींस वेदर इट इज हाफ प्रोजेक्टाइल और वेदर इट इज फुल प्रोजेक्टाइल, दोनों अलग चीजें हैं. दोनों में प्रोसीजर, दोनों का इनिशियल स्टेट अलग है बट दोनों के जो पाथ है वो पैराबोलिक इन नेचर है. Got it? So this is our first point to find out the trajectory of projectile. I hope you got it with the diagram as well as with the statement. Done? So I'm rubbing it now. Please note it down. Now, once it has been parabolically proved, we will find various other things related to that. So हम और भी चीजें निकालेंगे. तो चलिए शुरू कर देते हैं. तो let's start from here itself. तो ये data तो हमारा same है हमेशा. So we will calculate. Let us do the second thing. And what is the second thing? Time of flight. Capital T. So let's talk about what is time of flight. Again, it is the time for which object or the body is in air. ये वो time है जिसके लिए या during which time the body is in air. वो time जिसमें हवा में रहा था आपका body. यहां से start हुआ और वो finally drop हुआ B तक. तो A से लेके B तक वो हवा में कितनी देर रहा, कितनी देर तक उसने flight को भरा, मतलब कितनी देर तक वो उड़ता रहा, that time is called as time of flight. ठीक है, तो चलिए ये time निकालते हैं A से लेके B तक का. तो इस A से लेके B तक के time को निकालने से पहले चलो A से लेके C के time को निकालते हैं but vertical time. देखो A से लेके C आप horizontal भी गए हो और आप vertical भी गए हो. तो हम लोग A से लेके C for A C vertical motion को पढ़ते हैं. क्या पढ़े? A to C कौन सा motion? Vertical motion को पढ़ना शुरू करते हैं. उसे ट्राई करते ए से लेके सी तक. तो कितना हाइट गए ए से सी? मान लीजिए एच मैक्स कुछ हाइट गए, मैक्सिमम हाइट, इससे ज्यादा तो नहीं जा सकते. तो ए से सी वर्टिकल डिस्टेंस इतना किया है तो सी से बी भी वर्टिकल डिस्टेंस इतना ही होगा. एंड इफ यू रिवाइज मोशन इन वन डी, अगर आप मोशन इन वन डी को याद करो तो आपको याद है टाइम ऑफ एशन इज ऑलवेज इक्वल टू टाइम ऑफ डेसेंट. यानी ऊपर जाने का टाइम हमेशा उतना ही होता है जितना नीचे आने में लगा. यानी ऊपर जाने में टाइम अगर 2 सेकंड लगे तो नीचे आने में भी 2 सेकंड लगेंगे. इफ सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, इफ द हाइट कवर्ड और द डिस्टेंस कवर्ड इज सेम. तो ए से सी जितना गए हो, नीचे से ऊपर जितना गए हो उतना ऊपर से नीचे तो आओगे. वर्टिकली देखो, केवल वर्टिकल मोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं चलिए पहले. ओके, सो लेट अस स्टार्ट फॉर दैट. सो वर्टिकल मोशन, इनिशियल वेलोसिटी u sin theta, a to c acceleration minus g, and let time is how much? Small t मान लेते हैं. ओके, let's the time is small t. चलो t1 ले लेते हैं, small t is the general time. तो a से c जाने में टाइम कितना लगा? t1. सो बाय v इज इक्वल टू u प्लस a t. v इज इक्वल टू u प्लस a t. So what is the final velocity from A to C? A से लेके C तक, यानी A से हम start किए तो हमारी final velocity कितनी है C पर?
तो एट सी व्हाट इज वी वाई? जीरो. सी इज द हाईएस्ट पॉइंट, वर्टिकल हाईएस्ट पॉइंट है वो. ओके, और वर्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होती है? जीरो. सो इट इज जीरो. व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी? इट इज यू साइन थीटा माइनस जी इनटू टी, बिकॉज एक्सेलरेशन वुड बी टेकन एज नेगेटिव क्योंकि हम वर्टिकल अपवर्ड को पढ़ रहे हैं अभी के लिए. ओके, सो व्हेन वी डू दैट, सो व्हाट यू गॉट फ्रॉम हियर, वी गॉट फ्रॉम हियर इज जी टी वन, सॉरी इट इज टी वन. सो जी टी वन इज इक्वल टू यू साइन थीटा और टी वन इज इक्वल टू यू साइन थीटा बाय जी. सो टी वन इज द टाइम टू गो फ्रॉम ए टू सी. टी वन वो टाइम है जो आपको नीचे से ऊपर यानी वर्टिकली ए से सी जाने में लगा. ओके, ड्यूरिंग द सेम टाइम आप हॉरिजॉन्टल भी चल रहे हो बट आपको वर्टिकल ए से सी जाने में कितना टाइम लगा? टी वन. तो वापस सी से बी आना है. अगर आप सी से बी का टाइम निकालना चाहते हो आप यूज कर लो सी से बी, फिर आपको फाइनल वेलोसिटी बी पर निकालनी पड़ेगी. इनिशियल वेलोसिटी कितनी है सी से बी की? Can anybody suggest me what is the initial velocity from C to B? It is zero. जो C का final velocity हुआ A से C जाने में, तो अब नीचे से ऊपर से नीचे आओगे तो initial velocity zero. Acceleration would be plus G. उस time को T2 ले लीजिए और जब आप solve करके देखेंगे आपको solution यही मिलेगा. But हम ये चीज पहले से ही जानते हैं कि time of ascent और time of descent दोनों बराबर होते हैं. So thus, time of flight, total time कितना लगा? So total time would be 2 time of T1. ये वही time है जो मैं आपसे बात करूं कि आपने ball को throw किया और ये numerical भी हमने किए थे. When we throw a ball and the ball comes me back in a 4 second, ball वापस मेरे hand में आता है 4 second के बाद. इसका मतलब ऊपर जाने में time 2 second और नीचे आने में भी 2 second. So total time of flight 2 times of T1 कितना? 2u sin theta by g. This is the our second expression and the expression for what? Expression for time of flight. Ye hamare time of flight expression. And what is that expression? It is 2u sin theta by g. Where u stands for initial velocity, theta stands for angle jisse aapne usse throw kiya hai, and g stands for acceleration due to gravity. Okay, G की वैल्यू मैग्नीट्यूड ही लेनी है क्योंकि साइन आप ऑलरेडी पहले यूज कर चुके हो. ये टाइम है बस. ओके, कोई ये ना सोचे सर ऊपर जा रहे नीचे, ये बस टाइम है. टाइम टाइम होता है, ऊपर नीचे का नहीं होता ना आगे पीछे का होता. तो कितना टाइम लगा पूरी फ्लाइट के लिए? 2u sin theta by g. गॉट इट? सेकंड पॉइंट. सो प्लीज नोट इट डाउन द सेकंड पॉइंट आल्सो. नाउ सिंस वी कैलकुलेटेड द टाइम ऑफ फ्लाइट, नाउ वी विल प्रोसीड टू द थर्ड थिंग जो हम लोग इसकी निकालेंगे. And that third thing is maximum height. क्या निकालने जा रहे हैं? Maximum height. कितना cover किया? So कितना vertical distance? अब height है तो obvious ही बात है vertical होगा, horizontal तो हो नहीं सकता. So let us find out the maximum height. So for कौन से motion को पढ़े? A to C vertical motion. कहां से कहां पढ़ना है? A से लेके C तक और वो भी वर्टिकल मोशन. तो A टू लेके C वर्टिकल मोशन. फिर से देखिए व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी? U sin theta. अब हमें ये बार-बार लिखने का जरूरत नहीं है, वी हैव ऑलरेडी मेंशन. ओके, व्हाट इज द एक्सेलरेशन फ्रॉम A टू C? नेगेटिव G. ओके, अब हमें हाइट चाहिए. सो y s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर. ओके, हम इस पे लगा सकते हैं बट इसके लिए हमें क्या चाहिए? टाइम ए से लेके सी तक का जो अभी अभी हम लोगों ने टी वन निकाला था. और आइदर यू कैन यूज वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस. इसमें हमें टाइम की जरूरत नहीं है. सो लेट्स स्टार्ट विद यूजिंग दैट. मैं सेकंड को यूज कर रहा हूं, आप चाहे तो फर्स्ट को यूज कर सकते हैं. व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी एट सी पॉइंट? हम ए से सी पढ़ रहे हैं, जीरो. सो इट वुड बी जीरो स्क्वायर माइनस u square, u y square means what is that? U sine theta square should be equal to 2. A is negative g. और c point पे अगर final velocity 0 है तो vertical distance कितना हुआ? h max, maximum height. अभी हम किसी random point पे नहीं है, हम c point पे हैं.
ओके, और सी पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो जाएगा. सो व्हाट इज दैट, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नेगेटिव टू जी एच मैक्स, एंड व्हाट वुड बी एच मैक्स, नेगेटिव कैंसिल विद द नेगेटिव, सो मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू u square sine square theta by 2g. So here we have the formula for the third thing. हम लोगों ने तीसरी चीज का formula निकाला, and what is that third thing? The maximum height covered or maximum height taken by that projectile. यानी projectile maximum कितना height तक जा सकता है, and that height is u square sine square theta by 2g. Got it? So we have, हमने trajectory देख लिया, हमने time निकाल लिया और हमने maximum height. अब fourth thing जो हम लोग calculate करने जाएंगे, and that fourth thing is range. कितना दूर जाएगा? So the fourth thing that we are going to calculate is horizontal range. Capital R. So what is range represent? Range क्या represent कर रहा है एक तरीके से? क्या ये velocity को represent कर रहा है? क्या टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है? व्हाट इज इट इज रिप्रेजेंटिंग, इट इज रिप्रेजेंटिंग द डिस्टेंस, मींस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर किया जब आप पूरा कवर करके बी तक आए. सो बाय एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, फॉर विच मोशन, फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन. हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए अप्लाई करना शुरू कर देते हैं. Okay, तो चलिए काम करना शुरू करते हैं. तो व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ए से बी, बट कौन सा हॉरिजॉन्टल मोशन, पूरा ए से लेके बी तक का. सो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ए से बी कितना, आर. व्हाट इज योर इनिशियल वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल, यू कॉस थीटा. व्हाट यू विल टेक द टाइम हियर, अब आप इस टाइम को क्या लेंगे, तो हमें किसका टाइम चाहिए, ए से लेके बी का टाइम. एंड व्हाट वी कॉल दैट टाइम टू कवर फ्रॉम ए टू बी, टाइम ऑफ लाइट, बिकॉज हमने जो टाइम निकाला वो वर्टिकल मोशन को यूज करते हुए निकाला. बट यू नो दैट द हॉरिजॉन्टल मोशन एंड वर्टिकल मोशन आर हैपनिंग साइमल्टेनियसली, दोनों साइमल्टेनियस हो रहे हैं. इसका मतलब दोनों एक साथ चल रहे हैं, और अगर दोनों एक साथ है तो इसका मतलब हुआ जितना टाइम आपको वर्टिकल में ऊपर जाके फिर नीचे आने में लगा, उतने ही टाइम में आप हॉरिजॉन्टल भी जाओगे. सो दिस टाइम वुड बी कैपिटल टी प्लस हाफ, एक्सेलरेशन इज जीरो एंड कैपिटल टी स्क्वायर, बिकॉज इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन द एक्सेलरेशन इज जीरो बिकॉज द वेलोसिटी इज कांस्टेंट, क्योंकि कोई अपोजिशन ही नहीं है. सो व्हाट इज द रेंज, यू कॉस थीटा इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, एंड व्हाट वाज द टाइम ऑफ फ्लाइट, इट वाज 2 यू साइन थीटा बाय जी. इफ वी सॉल्व इट, R is equal to 2 u square into 2 into sin theta into cos theta divided by g. Now I need or I want you to know some of the trigonometry's formula. क्योंकि आप देखो यहाँ पे trigonometry आना शुरू हो गया, तो अब हमारे numerical purpose के लिए और for some point in the derivation we need some of the trigonometry tools की जरूरत है जो हमें अभी चाहिए. तो एक बार मैं वापस से सबको revise करा देता हूँ. Sin square theta plus cos square theta, we all know that one. Okay, 1 plus tan square theta is equal to what? Secant square theta. Similarly, 1 plus cot square theta is equal to cosecant square theta. Okay, कुछ trigonometry अब हमें यहाँ पे चाहिए. साइन टू थीटा, व्हाट इज दैट, साइन टू थीटा, एंगल के अंदर टू है, सो इट विल बी टू साइन थीटा कॉस थीटा. ओके, ऐसे आपको याद रखना है. ऐसे ही आपको एक और याद करना है जिसकी जरूरत हमें पड़ सकती है शायद इन फ्यूचर, एंड विच इज कॉस टू थीटा, एंड कॉस टू थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर थीटा, or it may also be equal to 2 cos square theta minus 1. तो ये आपके cos 2 theta के दो formulae हैं जो आप use करेंगे. Okay? तो ये कुछ formulas हैं जिनकी जरूरत हमें पड़ेगी, और फिर वही बात है, और भी trigonometries हैं, but as per the requirement हम उसी time hit करेंगे जब हमें इसकी जरूरत होगी. But here we need one. What is 2 sin theta cos theta?
टू साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है साइन टू थीटा सो आर वुड बिकम यू स्क्वायर साइन टू थीटा एंगल के अंदर टू है डिवाइडेड बाय सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर व्हाट हॉरिजॉन्टल रेंज ये हमारा किस चीज का फॉर्मूला बना हॉरिजॉन्टल रेंज का सो दिस इज द फोर्थ थिंग जो हम लोगों ने बना सो प्लीज नोट इट डाउन द रेंज एंड नोट इट डाउन दीज ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला या तो आप मैथमेटिकल टूल वाले बॉक्स में जहां पे आपने पहले लिखे थे जहां पे हमने टूल्स इकट्ठे किए वहां पे लिख लीजिए और आइदर यू कैन नोट इट डाउन ऑन द मार्जिन टॉप ऑफ द मार्जिन उसका क्या यूज कर रहे हैं वहां पे भी लिख लेते हैं कुछ चीजें सो प्लीज नोट इट डाउन ऑन द मार्जिन इटसेल्फ गॉट इट सो दिस इज द फोर्थ थिंग जो हमने प्रोजेक्टाइल एंगुलर प्रोजेक्टाइल का पढ़ा नाउ द लास्ट थिंग जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं लास्ट कैलकुलेशन इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एट एनी पॉइंट किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी निकालते हैं भाई उसका और वो एट एनी पॉइंट क्या था पी तो चलिए जैसे हमने वहां किया था वैसे ही करते सो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एट एनी पॉइंट पी तो पी पॉइंट तो पी पॉइंट पे दो वेलोसिटीज होंगी एक आपका वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल और एक आपका वेलोसिटी इन वर्टिकल वी वुड हैव टू फाइनल वेलोसिटीज ये तो हमारी इनिशियल थी ना ये हमारा क्या है यू एक्स है और ये हमारा क्या है यू वाई है अब एट एनी पॉइंट जाना ओके हाईएस्ट पॉइंट पे जाना है तो वर्टिकल वेलोसिटी जीरो और हाईएस्ट पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वो तो सेम ही रहेगी क्योंकि वो हर जगह ही सेम है बट यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट नहीं कहा यहाँ पे एट एनी पॉइंट आफ्टर टी टाइम तो चलिए एक बार शुरुआत करते तो फर्स्टली लेट अस फाइंड आउट हॉरिजॉन्टल फाइनल वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी आफ्टर टाइम टी टी टाइम के बाद सो वी वाई इज इक्वल टू यू वाई सॉरी माय मिस्टेक वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी एंड व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल में जीरो है तो वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा मिल गया हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल फाइनल जो कि हर जगह सेम रहेगा नाउ लेट अस फाइंड आउट विच वेलोसिटी वर्टिकल फाइनल वेलोसिटी वर्टिकल का फाइनल वेलोसिटी निकालते हैं आफ्टर टाइम टी सेम वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी ओके सो वी वाई इज इक्वल टू यू वाई कितना है यू वाई कितना है हमारे पास इट इज यू साइन थीटा माइनस जी इंटू टी ओके सो हमारे पास वी वाई भी आ गया यू साइन थीटा माइनस जी टी वे टी इज द टाइम जितने भी टाइम से पूछा अब देखो एक चीजें और हैं जो आपको यहां से समझनी पड़ेगी क्योंकि वो आपके न्यूमेरिकल्स मैंने कहा ना इन दिस और हियर द न्यूमेरिकल्स आर गोइंग टू बी ओके सॉरी आई हैव टेकन द ब्रेक फॉर द वाटर सो वन मोर थिंग जो मैं यहां पे आपके साथ अभी डिस्कस कर लेता हूं बिकॉज ये न्यूमेरिकल्स में आते हैं सो इन द सिंपल वे मैं आपसे अगर सीधी बात बोलूं द वे दैट वी आर डूइंग दिस डेरिवेशन आपको लग रहा होगा सर बहुत लंबा डेरिवेशन जा रहा है So in the examination derivation कभी भी सारे नहीं पूछे जाते we might ask you some of the point like I will ask you prove that the trajectory is parabolic और उसके साथ मैं आपसे one marks में पूछूं time of flight निकाल दो या फिर range निकाल दो या फिर height निकाल दो या फिर so I can ask you but we are taking all the derivations at the same spot पे हम इसलिए कर रहे हैं so that कि आप हर numerical को पकड़ सके अगर आपने ये सारे derivations जो जो पॉइंट हम लोगों ने कैच आउट किए हाउ वी अप्लाइड दिस अगर आप ये समझे हो देन आई एम 100% ओके 100% ही बोल सकता हूं अगर आपने इसे अच्छे से समझा 100% श्योर कि आप लोग हर न्यूमेरिकल को कैच आउट कर लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक ओके लैंग्वेज शायद भी ट्विस्टेड होगा माइट बी लैंग्वेज थोड़ा सा ट्विस्टेड हो क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज घुमा के आएगा थोड़ा सा मजा लेगा वो इंटरेस्ट बनाएगा इस चीज को कहानी को ट्विस्ट करने की कोशिश करेगा अगर आप उस कहानी को समझे लॉजिक्स आपकी पॉकेट में हमेशा है लॉजिक को लेके आई एम 100% श्योर कि आप लोग उसे पकड़ पाएंगे सो वर्टिकल फाइनल वेलोसिटी में तो कोई पंगा नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज इट इज गोइंग टू बी ऑलवेज कॉन्स्टेंट व्हाट इज द प्रॉब्लम इन सॉरी हॉरिजॉन्टल में कोई प्रॉब्लम नहीं है वर्टिकल में है एक तो ये आ गया बट दिस इज द वर्टिकल वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ टाइम
अब अगर उसने वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट दिया तो क्या करें? तो फिर उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, अब अपना दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे, क्या वी वाई स्क्वेयर माइनस यू वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू टू ए वाई इंटू वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, ए एस ना, हाईएस्ट पे तो नहीं पूछा है, हाईएस्ट पे तो वी वाई जीरो हो जाएगा, बट एट एनी पॉइंट अगर वाई की टर्म में है तो आप वाई वाला इक्वेशन लगाओ ना, मीन्स यू हैव टू कोलैबोरेट। ये वो जगह है जहां से अब तक की आपकी सारी नॉलेज आके यहां पे इकट्ठी हो जाती है, नॉलेज ऑफ कंपोनेंट ब्रेकिंग, वेक्टर चाहिए, लॉजिक चाहिए, फिर आपके इक्वेशंस ऑफ मोशन तो भर भर के, क्योंकि जब तक मोशन चलेगा बेटा तब तक इक्वेशन ऑफ मोशन चलते रहेंगे, तो इस बात को आपको समझना है। ओके, तो अगर आप यहां से निकालना चाहें तो आप वी वाई को यहां से निकाल सकते हो, इट वुड बी अंडर रूट ओवर, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, इट वुड बी यू वाई स्क्वायर नेगेटिव टू जी वाई, जहां पर यू वाई की वैल्यू u sin थीटा, वो आपकी चॉइस है कि आप vy किसकी फॉर्म में चाहते हैं, टाइम की फॉर्म में चाहते हैं या वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में चाहते हैं। ओके, ये आपकी चॉइस है। तो हमारे पास दोनों वेलोसिटीज आ गई, एंड व्हाट इज द एंगल बिटवीन बोथ द वेलोसिटीज, आई एम ड्रॉइंग हियर एट p पॉइंट, दिस इज योर vx एंड दिस वुड बी योर vy एट एनी पॉइंट, सो दिस वुड बी आवर रिजल्टेंट वेलोसिटी, सो व्हाट वुड बी द रिजल्टेंट वेलोसिटी, it would be vx square plus vy square, मुझे बताने की जरूरत नहीं है how we are used, so resultant velocity at p how much, vx square plus vy square, you know that if the two vectors are at 90 degree the resultant would be root over a square plus b square, and the angle or the direction of the resultant, let's suppose vy जो resultant velocity है वो vx के साथ beta angle बना रहा है, so then beta would be vy by vx, ये चीज भी आप जानते हैं, और beta would be tan inverse vy by vx, ये भी आप जानते हैं कि अगर हमारे पास दो वेक्टर के एंगल के बीच में 90 डिग्री है तो इट विल बी रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड टेन बीटा विल बी रूट ओवर बी बाय ए, तो हमारे लिए बी कौन है वी वाई और ए कौन है वी एक्स, अगर आप बीटा इसके साथ लेते हो तो ये ए बन जाएगा और ये बी बन जाएगा, उसके अकॉर्डिंग स्विच हो जाएगा। आई होप यू गेट द थर्ड सॉरी फिफ्थ एंड द फाइनल पॉइंट, आपको फिफ्थ और फाइनल पॉइंट समझ में आना होगा, गॉट इट, ओके, सो दिस इज whole about the angular projectile, ये सब था angular projectile के सारे derivation, अब कुछ conditions हैं जो शायद आपको numericals में ही help करेगा, कोई derivation नहीं है, वो numericals आपको आसान बनाता है, तो हम उसे discuss करेंगे, but till then I hope you are getting everything, done, so पांच चीजें निकाली हैं, trajectory, time of flight, maximum height, horizontal range and the velocity at any point, okay, जिसमें vx तो हमेशा वही रहेगा, बट vy आप किस टर्म में चाहते हो, टाइम दिया है तो टाइम वाला यूज करो, और अगर डिस्प्लेसमेंट दिया है तो डिस्प्लेसमेंट वाला यूज कीजिए, गॉट इट, सो नाउ आई एम रनिंग इट प्लीज, सो सिंस वी हैव डिस्कस द हॉरिजॉन्ट सॉरी वी हैव डिस्कस द एंगुलर प्रोजेक्टाइल थरली, हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया इसके, हमने सारे पॉइंट्स डिराइव करके देखे, हमने एवरीथिंग को अंडरस्टूड किया, now we are going to discuss some important conditions of that projectile, kuch important mainly do hi conditions hai to main dono ko discuss karunga, but before that humne jo jo kaam kiya hai, trajectory ye prove karta it is parabolic, fir humne teen expression nikale, we derived the three expression time of flight range and height, aur ye aapke paas baar baar aata hai, so jaise main aapke samne rakhu time of flight the formula was 2u sin theta by g, range the formula was u square sin 2 theta by g, and height maximum height covered by the projectile is u square sin square theta by 2g, now the point is that teenon formulas hain jo aapko bar bar use honge, you will see in the assignment, you will get the assignment in the description box for the angular and you have to complete that for your practice, to ye teen cheez bar bar aayega, to ab dekho in teenon mein u hai, all the three formula contain u but kahin pe u hai kahin pe u square hai, all contain sin theta but yahan pe sin theta hai yahan pe sin 2 theta hai yahan pe sin square aur sab mein g bhi hai, okay once you will see that jaise hi aap is in formulas ko dekhenge aapko lagega oh that r is very much easy bahut aasan hai main yaad kar lunga, but let me clear ki hum log hamesha un cheezon mein confuse hote hain jo similar dikhta hai,
इन योर क्लासरूम देर आर 40 students, 50 students, 30 students जितने भी हैं, लेट्स सपोज इन योर क्लासरूम 40 students, सो यू नो ऑल द 40 students, आप रिकॉग्नाइज करेंगे ऑल द 40 students विद देयर नेम एंड देयर फेस, तो आप उनके नाम और उनके फेस को मैच कर सकते हो. मीन्स इफ आई आस्क यू, आप सारे स्टूडेंट अपने घर पे हो, अभी होम लॉकडाउन है, तो इफ आई नो ओनली, अगर मैं 10th NTSC से किसी भी एक XYZ स्टूडेंट का नाम लूं फ्रॉम द बॉयज, इफ आई से दैट पर्टिकुलरली, अगर मैं आपसे बात करूं हार्दिक, ओके, जिसे पांड्या जी बुलाता हूं मैं, सो अगर मैं आपके सामने आई कॉल, ओके, हार्दिक, जैसे ही मैं आपके सामने हार्दिक कॉल करता हूँ, द फेस ऑफ द हार्दिक आपके दिमाग में आ जाएगा, ओके, ये वो स्टूडेंट था, आपके दिमाग में आ जाता है, सारी चीजें आपके दिमाग में सेटअप हो जाती हैं वंस यू लिसन दैट, क्योंकि वो डिफरेंट फेसेस हैं और आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे. बट बाय चांस इमेजिन दैट कि आपकी क्लास में दो ट्विंस हैं, ओके, दोनों के फेस में डिफरेंस है, बट स्लाइटली डिफरेंस है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, कुछ हल्का सा. अब दोनों में अगर स्लाइटली डिफरेंस है, माइन्यूट सा है, तब अब आपको बहुत बार ऐसा कंफ्यूजन होगा और आप कंफ्यूज हो, जैसे राम श्याम सीता गीता जो भी रिकॉग्नाइज नेम है ना जो इंडियन मूवीज में चलते आए हैं, तो वो वही चीज है, वो सिमिलर है, थोड़ा सा डिफरेंस है, बट हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ये अलग थे तो कहाँ पे अलग थे, फिर हम कंफ्यूज करते हैं, ओके, ये है कि ये है, और ये हमारा दिमाग सोचता रहता है, फिर हमें टाइम भी ज्यादा लगता है और हम वहां पे फंस जाते हैं. सो सेम थिंग यहाँ पे हो रहा है यार, ये कहीं ना कहीं एक ही फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, सब में डिफरेंस है बट थोड़ा थोड़ा है, तो इसलिए हमें, और बेसिकली इन्हें रिमेंबर रखना और इनमें डिस्टिंग्विश करना सबसे इंपॉर्टेंट है. और फॉर दैट आई एम जस्ट शेयरिंग माय पर्सनल टेक्निक, अपनी एक पर्सनल टेक्निक आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, तो वो थोड़ा सा आप देखेंगे. एंड दैट टेक्निक आई यूज टू कॉल एज अ TRH, तो एक याद करने का तरीका है, कैसे याद रखेंगे, TRH, T means time of flight, R means range और H means height, okay, T, time of flight, तो formula में देखो, हर formula में U आता है, sin theta आता है और G आता है, सब में यही है, U sin theta G, U sin theta G, तो शुरुआत हो जाओ, शुरुआत पहले कौन है, T, तो सबसे पहले 2, कहां पे गया, सबसे पहले नंबर U, तो U के साथ बैठ गया, तो सबसे पहले T is equal to 2U sin theta by G, बन गया फॉर्मूला U sin theta by G, और पहले 2 को U के साथ बैठा लिया. अब चलते हैं सेकंड नंबर पे, तो U हो गया, अब 2 जाके बैठेगा sin के साथ, तो 2 कहां पे जाके बैठ रहा है, sin के साथ, बस जस्ट याद करने का तरीका बता रहा हूं, तो 2 अब किसके साथ जाके बैठा, sin के साथ, और किसको छोड़ गया, जिसके पास पहले बैठा था, U को छोड़ गया, और U को जब छोड़ गया, तो जिसको छोड़ के जाएगा, जिसको लेफ्ट करके जाएगा, उसका स्क्वायर बना जाएगा, एक याद करने का तरीका है, ओके, तो पहले U sin theta G, तो पहले 2 U के साथ बैठा और बाकी चीजें एज इट इज थी, अब 2 जाएगा sin के पास, अंदर जाके बैठ गया उसके पास, और जिसको छोड़ गया उसको स्क्वायर बना गया, तो U भी हो गया, sin भी हो गया, अब H पे आ जाओ, अब किसके साथ जाके बैठेगा, G के साथ जाके बैठेगा, और जिसको पीछे छोड़ जाएगा उसको स्क्वायर बना जाएगा, तो U का तो स्क्वायर पहले बना चुका है, साइन का स्क्वायर बना जाएगा, हो गया फॉर्मूला है ना, 2U sin theta by G, U square sin 2 theta by G, U square sin square theta by 2G, थोड़ा टेक्निक फॉर्मेट समझ में आया, तो पर्सनल टेक्निक है यार, बस याद करने की वही वाली बात है, ये कुछ चीजें हैं जो बुक्स में नहीं होती, ओके, वो तो फॉर्मूले लिखे हैं, हम बस याद करने के तरीके, एंड आई होप फ्रॉम द लास्ट 4 to 5 years आई एम गेटिंग, जब से मैं भी पढ़ रहा हूं, जब से इस चीज को मैंने ट्राई किया, शेयर किया आप लोगों के साथ, आई एम गेटिंग नियर अबाउट 99% आप लोग हमेशा सही जाते हो, 1% फिर भी गलती कर ही देते हैं कुछ ना कुछ, बट 99% आप कंफ्यूज नहीं होते हो, आपको टाइम नहीं लगेगा, स्टार्टिंग का बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग इन द स्टेज ऑफ स्टार्टिंग, ये प्रोजेक्टाइल का स्टार्टिंग स्टेज है, और इसमें एरर्स हो जाते हैं, वंस यू गेट बी प्रैक्टिस, जैसे जैसे आप इसकी बहुत प्रैक्टिस करते जाएंगे, आप आगे फेमिलियर होते जाएंगे, तो आपको मेरी टेक्निक की जरूरत नहीं रहेगी, आप इतना जल्दी याद कर लेंगे, जैसे ओम्स लॉ दिमाग में बैठा, ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR, वो एक बार दिमाग में सेट हो गया, फिर सेट हो जाएगा, फिर कोई इश्यू नहीं होगा, बट आई एम सेइंग फॉर द स्टार्टिंग, अगर आपको जरूरत है तो आप इसे नोट डाउन क्या फॉर्मूले ही हैं, बट आप इसे समझ सकते हैं, एंड इफ यू थिंक दैट सर नो सर वी आर ओके विद दैट, हमें फॉर्मूले वैसे याद है, तो दैट्स ग्रेट थिंग.
ओके सो दिस इज द टेक्निक जो मुझे पहले डिस्कस करनी थी. नाउ आई एम गोइंग टू डू विद द कंडीशन. ओके सो कुछ कंडीशंस पे बात कर लेते हैं. कंडीशन वन इज मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज. कि हॉरिजॉन्टल रेंज जो है वो मैक्सिमम कब होगा. मीन्स यू थ्रो एन ऑब्जेक्ट, आपने एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, सो किस एंगल या किस तरीके से थ्रो करें कि आपकी रेंज मैक्सिमम जाए. सो आर मैक्स चाहिए हमें, हमें रेंज क्या चाहिए, मैक्स. एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मैक्स, मेरे को याद है टी आर दूसरे नंबर पे आता है, तो यू को छोड़ दिया, साइन के साथ बैठ गया बाई जी. शुड बी क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए. तो जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो कि हमने कॉन्स्टेंट माना है. U is the initial velocity. Let's suppose आप लोगों ने वो भी constant कर दी. For U constant, तो अगर हम ये maximum चाहते हैं, तो sine 2 theta क्या होना चाहिए? Maximum. और sine की value maximum कितना degree पे जाती है? 1. Means कितना value होता है maximum? 1. और ये कितने degree पे होगा? 2 theta कितना होना चाहिए? 90. और theta कितना होना चाहिए? 45. So at what angle should we throw an object? हमें किसी भी object को किस angle पे throw करना चाहिए ताकि range maximum जाए for the given velocity? And that angle is 45 degree. ये हर जगह use है. Like if you want to do or if you want to study any sport which is related to throwing an object. कोई भी एक ऐसा sport है जिसमें object को throw करना है. Like javelin throw, disc throw, कोई भी throw है. तो अगर आप चाहते हो, क्योंकि उसमें तो विनर वही होता है ना जो सबसे ज्यादा दूर उसको फेंकेगा, तो दो चीजें हैं जो मैटर करती है. पहली इनिशियल वेलोसिटी, तो आई थिंक वो तो मैटर करता है कि आपके मसल्स पावर कितने हैं, आप कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी, व्हाट अमाउंट ऑफ एनर्जी बाय यूजिंग योर बेयर हैंड आप अपने हाथों से उस बॉडी जैवलिन में या फिर डिस्क में या बॉल थ्रो किसी में भी आप कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी दे रहे हो ताकि वो वेलोसिटी अटेन कर सके, तो वो तो बात अलग है. बट मसल्स पावर के साथ साथ फिजिक्स की भी जरूरत है यहाँ पे. अगर आप उस गेम को जीतना चाहते हो तो मसल पावर तो खाने से, प्रैक्टिस करने से आ गई, बट विदाउट फिजिक्स आप उस गेम को नहीं जीत सकते भाई. और उस गेम को जीतने का तरीका है एंगल. एंगल भी मैटर करता है कि अगर आप उस चीज को कितना दूर तक मैक्सिमम टू मैक्सिमम थ्रो करना चाहते हो जब आपकी खुद की वेलोसिटी कांस्टेंट है. सर मैं इतनी वेलोसिटी से तो फेंक सकता हूं, बट इस गिवन वेलोसिटी में भी अगर रेंज मैक्सिमम जानी है तो थीटा कितना होना चाहिए, 45. सो यू शुड रिमेंबर, सो फॉर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज थीटा शुड बी 45. इस बात को याद रखेंगे आप लोग. ओके तो ये बात आपको समझने वाली है और ये बात आपके रिमेंबर रखने वाली है, क्योंकि इफ यू फाउंड एनी न्यूमेरिकल जहां पर लिखा है कि रेंज इज मैक्सिमम, हाइट नहीं, रेंज मैक्सिमम है, तो थीटा इसका मतलब ऑटोमेटिकली कितना गिवन है, 45. वो फिर हम आपको मेंशन नहीं करके देंगे, वो आपको अंडरस्टूड करना पड़ेगा कि थीटा 45 पे रेंज मैक्सिमम होता है. ओके नंबर टू, इक्वल रेंज यानी आपकी रेंज इक्वल कब होगी, यानी कब आपकी रेंज इक्वल जा सकती है. चलिए इस पॉइंट पे भी बात करते हैं. सो लेट सपोज फर्स्टली एट एंगल थीटा व्हाट वुड बी माय रेंज, इसको R1 नाम दे देता हूं. सो रेंज वुड बी u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय g. ओके एक एंगल हो गया. लेट सपोज एट एंगल 90 माइनस थीटा. ओके पहले इनिशियल वेलोसिटी का एंगल कितना था विद द ग्राउंड, थीटा, और अगली बार आपका एंगल कितना बना रहा है, वो 90 माइनस थीटा. फॉर एग्जांपल पहले एंगल 30 डिग्री था और अब एंगल 60 डिग्री है, फॉर एन एग्जांपल. ओके सो फॉर 90 माइनस थीटा व्हाट वुड बी द रेंज, R2 इज इक्वल टू u स्क्वायर sin 2 और इस बार एंगल कितना है, 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय g. लेट अस ओपन और लेट अस सॉल्व. U square sine 180 minus 2 theta divided by g. Okay, now we have to use some more mathematical tools. मैंने कहा requirement के हिसाब से हम लिख लेंगे, तो first condition is done. Okay,
Now, there is some formula जो मुझे आपके साथ डिस्कस करने, and that formula is sine 180 minus theta. Sine 180 minus कुछ भी angle is always equal to sine theta. Sine 180 minus theta हमेशा क्या होगा? Sine theta होगा. अगर इसे हम cos में जाएं, so cos 180 minus theta. 180 minus something है. इसका मतलब आप सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहे हो जहां पे कॉस नेगेटिव होगा, सो इट वुड बी नेगेटिव कॉस थीटा. साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही रहेगा जो भी एंगल यहां पे. कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा. ऐसे ही साइन 90 प्लस थीटा. साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा. आप ट्राई करके देख सकते हो साइन 90 प्लस 30 की वैल्यू. साइन 90 प्लस 30 की वैल्यू वही होगी जो cos 30 की वैल्यू होती है. तो ये आप ट्राई करके देखेंगे प्लीज एग्जैक्टली. एंड सिमिलरली लास्ट बट नॉट द लीस्ट cos 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस sin थीटा, क्योंकि वो cos 90 प्लस थीटा फिर वो सेकंड में चला गया तो नेगेटिव ऑफ sin. तो फिर भाई बेटा कुछ मैथमेटिकल टूल्स हैं जो हम लोग फिर ऐड कर लेंगे और इसी तरीके से हम अपनी डिक्शनरी को भूल करते जाएंगे. ये वैसा ही है जैसे इंग्लिश की वोकैबुलरी घंटी करते हो. आप एक साथ तो नहीं कर सकते कि सारे इंग्लिश के वर्ड ही लर्न कर. वोकैबुलरी धीरे धीरे बढ़ता है. जहां पे जरूरत है वो उस वर्ड को यूज कीजिए, उसके मीनिंग को समझिए, उसको अंडरस्टैंड कीजिए, फिर उसे प्रैक्टिस में लाइए. एंड वंस यू प्रैक्टिस अबाउट दिस वर्ड अगेन एंड अगेन, वो आपकी वोकैबुलरी की डिक्शनरी में एड होता जाता है और फिर वो हमें हेल्पफुल करता है बाद में. तो हम ऐड कर लेते हैं sin 180 minus something. Sin 180 minus something क्या बनेगा? Sin something. तो r2 क्या बनेगा? U square sin और something की जगह क्या है? 2 theta by g. Check this out. तो जब angle theta था तो भी range U square sin 2 theta by g आई, और जब angle 90 minus theta था तो भी हमारी range U square sin 2 theta by g आई. Thus R1 is equal to R2. तो दोनों रेंज इक्वल आई, तो इससे क्या कंक्लूजन निकला? रिजल्ट क्या निकला? दैट रिजल्ट इज रेंज एट एंगल थीटा एंड 90 माइनस थीटा इज ऑलवेज इक्वल. यानी आपकी रेंज थीटा एंगल पे जो रेंज है 90 माइनस थीटा एंगल पे भी वही रेंज होगी. आप ट्राई करके देख लीजिए. ओके, सो अगर आप 30 डिग्री पे जाते हैं, सो 30 डिग्री पे जो आपकी रेंज होगी 90 माइनस 30 यानी 60 डिग्री पे भी वही रेंज होगी आपकी. आप ट्राई करके देखिए, थीटा कुछ भी हो उसका 90 माइनस समथिंग पे रेंज वही आता है. और ये भी कंडीशन आपको कई बार हेल्प करेगा. सो दीज आर द टू कंडीशंस जो हम लोगों ने यहाँ पे लर्न किया, हम लोगों ने यहाँ पे अंडरस्टूड किया. And that is officially, I can say you or I can tell you that we are done with the what? Projectile motion. And once we are done with the projectile motion, so now I can declare you that we are also done with the motion in plane. Circular motion के बारे में मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बात कर चुका हूँ. So now we are officially conclude that we are done with the what? Motion in plane chapter. तो जो भी आपका काम होगा वो आप यहाँ तक लेंगे. If you got any question related to circular, please उसे इस moment के लिए hold रखिए. जैसे आप लोगों ने last chapter में relative velocity के numerical को hold किया था, फिर हम लोगों ने आगे solve कर लिया क्योंकि requirement के हिसाब से उसे वहीं पे point out करना है. ओके, सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कि मैं क्या कर रहा हूं. कोई छुड़वा नहीं रहा हूं, हम लोग सारा वर्क करेंगे बट इफेक्टिवली है. ओके, डन. सो नाउ यू विल गेट द न्यूमेरिकल्स फॉर द प्रैक्टिस इन द असाइनमेंट एज द असाइनमेंट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप लोगों को लिंक मिल जाएगा जहां पे आप लोग अपने असाइनमेंट को डाउनलोड कीजिए और उसकी प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए. So please start doing that. You will get the numerical. You have one complete day. आपके पास पूरा complete day है इसे complete खत्म करने के लिए. तो अब हम new chapter के साथ आगे work करेंगे, आगे proceed करेंगे. But हम लोगों के पास one day का gap रहेगा ताकि आप पुराने vectors को खत्म कर सके, अपने doubts clear कर सके और अपने projectile के numericals को done कर सके. तो दो student जो पीछे हैं please hurry up ताकि आप लोग match out कर सके. Okay? Now one thing
आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, आप लैंग्वेज को अंडरस्टूड कीजिए, लैंग्वेज पे भरोसा रखिए, अपनी लैंग्वेज को समझेंगे, यू विल मेक द स्टोरी। आप समझा सकते हैं कि ये बॉडी ऐसे थ्रो कर रही होगी तो काम हो सकता है। नाउ वन थिंग इज दैट देयर आर सम न्यूमेरिकल्स जो आपको यहाँ पे प्रूफ टाइप में आएंगे, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में आता है ना प्रूफ दिस, सो यू ऑल नो दैट हाउ टू प्रोसीड दीज न्यूमेरिकल्स, दैट वी विल टेक दी LHS साइड सेपरेटली, वी विल टेक दी RHS साइड सेपरेटली। या तो LHS को RHS बनाने की कोशिश करेंगे, या RHS को LHS, या दोनों को ही चेंज करके कहीं ना कहीं इक्वल लाने की कोशिश करेंगे। सो वो आप ट्राई करेंगे, अगर आपको ऐसे कुछ न्यूमेरिकल देख मिल जाते तो उसके लिए वो हिंट है। अदरवाइज एवरी न्यूमेरिकल मैं तो कहूंगा बहुत आसान होने वाले हैं आप लोगों के लिए। हाँ, थोड़े ट्विस्टेड है, माइंड का एक्सरसाइज होगा, और उस एक्सरसाइज के लिए प्लीज बी रेडी एंड कंप्लीट दिस पार्ट एंड कंप्लीट द चैप्टर। So here we are done with the motion in plane, and we will meet in the next lecture soon possibly, and the new next chapter that we are going to start is force and laws of motion. But iske liye aapka thoda sa support chahiye mujhe, and what is that support that I needed? I need that you should revise about the force. Aapko force ko thoda ek baar samajhna padega. To kuch words hai 9th class ke jo main aapse chahta hu aap mujhe revise karke de, like force, like momentum, like Newton laws of force. याद है Newton के laws of force और laws of motion, Newton first law, Newton second law, Newton third law. तो ये कुछ चीजें हैं जो मुझे आपसे चाहिए। If you help me out in that, so definitely हमारा lecture थोड़ा सा speedy हो सकता है, और speedy does not mean कि मैं बहुत आगे जाऊंगा, but speedy means आपको जल्दी समझ में आएगा। So ये कुछ homework है जो आपके लिए है। Homework is revise the basic of the 9th class force, force and laws of motion का 9th class एक बार पढ़ लिए, उसे revise कीजिए, mind में set कीजिए, and we will meet with that topic in the next lecture. Till then, complete this projectile, complete the motion in plane, and see you soon, beta.